हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह का टाइम है, 8:15 हो रहे हैं। मैं नहावा के आ गई हूँ। दोपहर में भी नाइट सूट, सुबह भी नाइट सूट, सॉरी दोपहर नहीं हुई अभी, सुबह भी नाइट सूट बहुत से लोग बोलेंगे, तो चलता है ना। एक्चुअली उर्वी सो रही है ना अंदर रूम में, तो फिर मैंने रूम से कुछ और कपड़े निकाले, ये नहीं कि ये नाइट सूट बाहर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी को पहन लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करके आई थी, उसके फिर बाद फिर आते ही खाना वाना बनाने में लग गई। आदित्य के लिए टिफिन और सबके लिए परांठे बने आज, बिल्कुल प्लेन परांठे। तो अभी जो है चाय बन गई है, यहाँ पे खोल रही है चाय, अपने लिए लूँगी दूध और नीरज के लिए चाय। और उर्वी एक बार उठ के दोबारा सो गई है, तो अभी वो भी उठ ही जाएगी। 8:15 हो गए, लेट हो जाएंगी क्योंकि फिर इनको भी ऑफिस जाना होता है। पर ये है कि खाना वाना सब कुछ बन गया है, पर मैंने सोचा कि ब्लॉग शुरू कर देते हैं। बहुत से दिन से मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा माइंड भी वैसे ही था। उर्वी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको ज़ुकाम हो रखा है। उसको ज़ुकाम हुआ आदित्य से, क्योंकि आदित्य को ज़ुकाम था, फिर वो उसको मना भी करता था उसके पास जाने से, तो वो बार बार उसी के पास जाता था अब हो गया उर्वी को ज़ुकाम, और उर्वी को ज़ुकाम हो गया भाई, तो फिर वो पूरा घर उठा लेती है सिर पे। ये बात है, लड़कियों वाले जो होते हैं ना टेंट्रम्स, वो पूरे हैं उसके पास। तो बस ये है, तो चलिए अपना जो मॉर्निंग का चाय दूध वाला जो काम है वो निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद लग जाते हैं घर के कामों में। नहाना वाना मैं फ्री हो गई हूँ, बस अब मुझे बाकी के जो काम होते हैं ना घर के वो ये करने के लिए, बर्तन भी उतने कुछ ज़्यादा धुलने के लिए नहीं है, ये तो रात के हैं, थोड़े से हैं अभी सुबह के बर्तन। तो चलिए ब्लॉग शुरू हो गया, देखते हैं आज पूरे दिन में होता क्या है। गुड मॉर्निंग शेंकु, तू मेरा दोस्त है यार, तू तो मेरा दोस्त, इधर तो सुन मेरी बात। शेंकु शेंकु, आप मेरे दोस्त नहीं हो? ले आया मजा। बमबारी कहाँ हो रही है? पापा के ऊपर बमबारी। ओ ओ तो अभी जो है दोपहर के 12 बज गए, लेकिन ये छोटा सा शैतान है ना मेरे पास, ये जो छोटा सा शैतान है ना, मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा है। आप हप आप हप बस इसका यही चला हुआ है तब से लेके, ना ये सो रही है ना, तो नहलावे ने 10:30 बजे दी थी, लेकिन अभी तक बिल्कुल जो है इसका सोने का कोई मूड नहीं है। और मैं अब जाके फ्री हुई हूँ काम वाम करके, काम फिर भी अभी लंच बनाना है, तो देखते हैं क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, क्या बनाएंगे आज भैया के लिए, क्या बनाए भैया के लिए? भैया के लिए क्या बनाएंगे? अभी जो कपड़े धुले सुबह के वो भी छत पे नहीं डाले, आप नहीं जाने दे रहे। और मैं सोच रही थी ये सोएगी तो कपड़े डालूंगी छत पे धूप में, अब इसको लेके जाऊंगी तो बहुत तेज धूप है, इसको पहले ही जुकाम सा हो रहा है, तो धूप बहुत ज्यादा तेज है। तेज बोलो, शूज शूज बोलो, बोलो शूज, बोलो शूज, बोलो। गुड इवनिंग, तो शाम के जो है हो गए हैं 7:15, और ये लहसुन का छिलका भी चला गया साथ में इसमें, तो मैं बना रही हूँ अभी बैंगन का भरता। तो उसके लिए ये प्याज टमाटर भून लिए मैंने, मटर मैंने थोड़े से बॉईल कर लिए थे, मतलब सीटी वीटी में लगाई है, ऐसे ही बॉईल किए थे, गरम थोड़े से कर लिए थे बस,
और ये रहे बैंगन जिनको मैंने मैश कर लिया है। तो अभी हम तड़का लगाएंगे। तो बस अभी बैंगन का भत्ता बनेगा और एक साइड यहाँ पे चाय चढ़ा रखी है। चाय आराम से अभी बनेगी 10-15 मिनट लेके अच्छे से। तो ये तो ऑलमोस्ट रेडी है तड़का, और बस इसमें अब ये बैंगन जाने हैं। रेसिपी में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ इसलिए आज शेयर नहीं करी मैंने। और अब जाना है मुझे दूध लेने के लिए। आज मैं बहुत लेट होगी अदरवाइज़ इस टाइम तक मैं घर पहुँच जाती हूँ 7:15 बजे, मतलब वापस आ जाती हूँ लेके। बट ये दोनों चले गए थे, इनको खाना था बर्गर टिक्की खानी थी आदि तौर उसके चाचू को, तो ये लोग चले गए थे, तो इसलिए फिर मैं घर पर ही। बट ये दूध नहीं लेके आया, दूध लेने के लिए मैं ही जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अभी तड़का भी लगा ही लेते हैं, फिर ऐसा सब्जी बनी रहेगी तो फिर आके सिर्फ चपाती खिलानी होगी। नीरज भी आ गए, वो नहाने के लिए गए, उनके लिए चाय चढ़ाइए, उनके लिए चाय बन जाएगी। फिर अब ऐसा हो जाएगा कि वो भी, वैसे तो इन दोनों के पास भी रह जाती है, बट ये कि रोज ज़्यादा रोए तो फिर ये संभाल लेते हैं। तो चलिए खाना बना लेते हैं। दिन में व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल कैमरा मैंने उठाया नहीं है क्योंकि बहुत थकान हो जाती है पूरा दिन भर, और सुबह जैसे जल्दी उठो तो फिर मुझे था कि सोना है। फिर रूटवी की तबीयत भी थोड़ी सी हल्की सी ख़राब है, तो फिर वैसे ही मन नहीं होता ना, बच्चे की तबीयत ठीक ना हो तो फिर और काम माँ के भी लटके ही रहते हैं। तो बस वही अभी जाएंगे दूध लेने के लिए, कपड़े वपड़े चेंज करके जाऊँगी क्योंकि इस पर खाना खिलाती हूँ मैं उर्वी को, तो वो मेरे कपड़ों पर हाथ लगाती रहेगी, ये सब कुछ चला रहता है। तो दिन में मटर पुलाव बनाया था, वो बचा हुआ है, अभी कुछ शाम के लिए वो भी हो जाएगा। ये तो नहीं खाते हैं चावल, बट हम लोग खा लेते हैं अभी, बस ये बात है। हाँ ऐसा कर लो। तो ये देखिए हमारा जो बैंगन का भरता है, इसका फाइनल लुक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी मुझे इसे पकाना है। और तो अभी इसको, इसमें मैंने सिर्फ बैंगन मिक्स किया है और अब इसको अच्छे से पकाते हैं। और बैंगन का भरता मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, टी शर्ट वर्ट पहन के, पजामा पहन के मैं जाऊँगी दूध लाने के लिए। और अरुण भी खाते होगा। हाय 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 हे, एक एक शूज पहनना, दूसरा पहनना नहीं है क्यों? मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे बिल्कुल फ्री नहीं रहने देते, एंगेज करके रखते हैं हर चीज में। क्यों भाई, ठीक बोला मैंने? हाँ ये क्या, ठीक बोला मैंने? आजा मैं बताती हूँ कैसे। तो आराम से दिन निकल रहा था, सुबह सुबह सारे काम हो गए थे, सफाई हो गई थी क्योंकि आज कुछ ऐसे प्लान थे कि मेरे जो बड़े मामी वगैरह है, मामी वगैरह नानी की आईज का ऑपरेशन है, तो उनका प्लान था कि वो यहाँ आएंगे सुबह। फिर ऑल ऑफ सडन फिर मामा का फ़ोन आया सुबह कि शायद ही आ पाए क्योंकि वो घर से निकलने में लेट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही जो है सारे काम निपटा देती हूँ ताकि फिर जब खाना वगैरह बनाना हो उस टाइम पे फिर बाकी घर के कामों का जो प्रेशर है वो मेरे ऊपर ना पड़े। तो मैंने सुबह ही जो है सफाई सफूई कर दी थी। ये तो उर्वी का मैट है जो ऐसे ऊपर उठा के रख दिया था, बट फिर ये देखो उर्वी के हाथ में आया मेरा ये स्लिंग बैग जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसने सारा इसमें से सामान निकाल के जो है सारा यहाँ पर फैला दिया है क्योंकि और भी नहीं चाहती कि मम्मा बेली बैठे। आ जाओ आओ नहलाने के लिए पानी निकालती हूँ, आओ। और इतनी नौटंकी हो गई है ना, ये खाने की थाली भी इसी की है, मैंने इसको खाना खाने के लिए दिया था, वो भी इसने सारा जो है खाया कम और गिराया ज़्यादा है, ये काम हुए हैं आज। वैसे तो अभी 10:15 ही हुए हैं सुबह के। दिखाओ दिखाओ अपना वाव, वो देखो भाई उर्वी ने लगाया है नेल पेंट, तो आप सबको वो अपना वाव दिखा रही है। वाव, येलो कलर का नेल पेंट लगाया है, वाव। फू कर दो इसको, फू कर दो, करो। हाँ सूख गया ना, पैर में भी दिखा दो, पैर में भी दिखा दो, छन छन भी दिखा दो अपनी, दिखा दो अपनी छन छन। वाह बोलो छन 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 छन। हाँ ये देखो ये है छन छन, और ये लगाइए वाओ, है ना, वाओ। हाँ इसमें नहीं है, दूसरे में है, इसमें 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 दिखाओ,
हाँ ये देखो उर्मी ने लगाई है नेल पेंट, और मेरा पेट देख के हैरान मत होना क्योंकि पेट अभी धीरे धीरे अंदर जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। अच्छा लो, पेट पे उर्वी की नजर पड़ गई, अब इसको लड़ने की आ गई है। तो उर्वी अभी जो है बाथ टब में है, अपना नहाने वाला जो टाइम है उसको इंजॉय कर रही है। तब तक मैं इसके कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर ये एकदम से निकलेगी नहा के, फिर इसको वो होता है सोना होता है, पर आजकल जैसे जैसे कि बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे इसका जो सोने का शेड्यूल जो है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो कभी ये सो जाती है नहाने के बाद, कभी नहीं भी सोती है, कभी दिन में एक ही बार सोती है, कभी दो दो बार तीन तीन बार भी सो जाती है। तो अभी थोड़ा सा जो है धीरे धीरे चेंज कर रही है ये अपना टाइम टेबल, और उसके साथ साथ हमारा टाइम टेबल भी जो है इधर उधर हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल इसको इनर तो मैं पहना ही देती हूँ, क्योंकि मौसम बेशक गर्म हो गया है लेकिन बच्चों के कपड़े जो है धीरे धीरे शुरू करने चाहिए, कम करना, धीरे धीरे शुरू करने चाहिए। तो सारी जो इसकी अलमीरा है वो भी पूरी हो चुकी है, इधर उधर हो रखी है सारी, तो वो भी सेटल करने के लिए है। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, धीरे 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 ये देखो ये बैग पैक, ये पैक, ये पैक, ये मैट मूट मैंने सब वो कर दिया है, ये रजाई के कवर फिर फिलहाल इसका धुल गया है और इसका अभी धुलना बाकी है। तो मैंने ना वो मंगवा रखे हैं अभी ज़रा, जो एसी ब्लैंकेट्स होते हैं दो और जो होते हैं वो मंगवा रखे हैं, देखते हैं अभी कितने दिन में आते हैं, क्योंकि फिर ये सामान सारा जो है मैं धीरे धीरे कर रही हूँ पैक। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मेरे घर में जो है जगह जगह कुछ ना कुछ कार्टन बॉक्सेस जो है पड़े हुए हैं, तो उनको पड़ा रहने देते हैं ना, अगर ट्रांसफ़र हुई ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो फिर उठा लेंगे, अगर हो गई तो फिर जैसे पैक है वैसे ही रहने देते हैं। तो ये पर्स तो मैं जब इसको नहला के अभी निकाल लेती हूँ बाथरूम से, क्योंकि अभी बाथ टब के अंदर बैठी हुई है। और आज मुझे घी निकालना था मलाई में से, तो फिर उसका ना अच्छे से वो नहीं हो रहा था, मक्खन नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने ये मलाई में जो है थोड़ा सा दही डाल के फिलहाल रख दिया है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ना, ये मलाई पहले मैंने मिक्स की है, पहले मैं इसको फेंट रही थी अच्छे से, फिर ये हुआ नहीं, मेरे पास इतना काम था, पेशेंस भी नहीं थी इसको बार बार और ज़्यादा करने की, वैसे तो ब्लेंडर से भी किया जा सकता था, बट अभी मैंने इसमें दही डाल दिया है। तो यहाँ पर मौसम मतलब वैसे धूप ही है, तो किचन में भी गर्म ही है, तो ये थोड़ी देर में जो है वो हो जाएगा दही से, तो फिर उस टाइम इसको वो कर दूँगी, बना दूँगी मक्खन। अरे अंधेरा क्यों आ रहा है भाई, कुछ तो हाँ फोकस नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो गैस शेल्फ ऑलमोस्ट ये यहाँ पे क्लीन है, साफ है। अरे भाई फ़ोन क्यों ऐसा कर रहा है। हाँ तो गैस वैस मैंने साफ़ कर दी है, और वो रहे सारे बर्तन, आज तो मैंने ये आटा नहीं क्या बोलते इसको, चकला बेलन रखने वाला जो स्टैंड है वो भी धो दिया है, क्योंकि मौसम अब ऐसा हो रहा है ना गरम गरम सा। अरे मैं कैसे बातें करी जा रही हूँ आज, है ना, क्योंकि आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ हो चुका है, सब्जी बन गई है, आलू गोभी सुबह ही बना दी थी मैंने, वही चक्कर में जैसे मैंने बोला कि मामी वगैरह का आने का प्लान था, तो गोभी आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनी है, शाम का बैंगन का भरता भी बचा है। और ये रहे उर्वी के कपड़े जो मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, अब मैं लेके आती हूँ उर्वी को, क्योंकि थोड़ी देर वो पानी में खेलना पसंद करती है, एकदम से उसको उठा दो तो फिर बहुत रोती है। तो लो जी उर्वी नहा गई है, उर्वी नहा के रेडी भी हो गई है, और उर्वी के सिर में मैंने लगा दिया है तेल, अभी तो मैंने इसको ऑलिव ऑयल लगाया है, वैसे मैं नारियल का तेल भी लेके आई हूँ, अब नारियल का तेल लगाने का टाइम भी आ गया, बट इस थोड़ा सा अभी जुकाम है तो फिर मैंने नहीं लगाया, बट आज कुछ ज़्यादा ही तेल लग गया है ना गंजू, तेल कुछ ज़्यादा लग गया है ना। हाँ बाय बाय। मैंने इसको सुलाने की पूरी पूरी कोशिश की, तो ये सोई तो नहीं, तो इसलिए मैं सोचू कि मौके पे चौका मार के अभी ये खेल रही है यहाँ पे, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। क्यों क्या कहते हो, क्या कहते हो, नहा लूं? हाँ ओके बोलो, ओके ओके। नो जी से सारी धाराएं बह चुकी है ना, बोलो ओके ओके बाय। ओ वाओ अपना एक दांत दिखा रहे हो, ओ वाओ फिर से दिखा दो, वाओ वाओ दिखा दो अपना पीछे,
दिखा दो अपना वाव। कहाँ है वाव? अच्छा भाग कर दो। तो बर्तन जो है ऑलमोस्ट सारे सूख गए हैं जो सुबह के धुले हैं, तो धोने के बाद फिर उनको अलग अलग मतलब उनकी उनकी जगह पे जो है पहुंचा देते हैं। और ये जो वीडियो है इसको भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो बड़े वाली जो रोलिंग पेन है मतलब ये जो बेलन है ये इससे नीरज बेलते हैं, छोटे वाला जो है उससे मैं बेलती हूँ, मुझे बड़े वाले से बेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो है तनु उठ चुका है सो के, तो उसके लिए मुझे खाना गर्म भी करना था, तो इसीलिए मैं किचन में आई और गैस जो है आपको पता है कि मैंने साफ़ कर रखी थी, तो उसके ये सारे जो निकाल रखे हैं ये भी लगा देंगे। और इसके बाद करेंगे हम आलू गोभी की सब्ज़ी गरम और फिर उसको खाना दूंगी, क्योंकि मेरा तो ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट हो चुका है और ये तो फिर इसका कोई टाइम नहीं है, 12:30-1 बजे जितने बजे भी उठता है। तो ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।